दोस्तों सिर्फ 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हो एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस, जहां पर ये 10,000 रुपए की किट से जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी जो लागत है वो अराउंड 1,000 रुपए तक आएगी और आप उसे मार्केट में 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक बेच सकते हो। जी हाँ, इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत रेयरली होता है। और दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये वीडियो लाइव होने से पहले ये जो बिजनेस था बहुत सीक्रेटिव था, बहुत कम लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता था, बट आज आप इस वीडियो को देखकर ये सीक्रेटिव बिजनेस आप शुरू कर सकते हो आपके छोटे से घर में। अगर आपके घर में छोटा सा टेबल भी हो वहां से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत सही बिजनेस है। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए जिससे कि आपसे इस पूरे बिजनेस की जो भी डिटेल जानकारी है वो आपसे मिस ना हो जाए। सो इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं रेजिन आर्ट इंडिया से मिस्टर धर्मेंद्र सर से मिलने, जहां पर सर हमें पूरी छोटी से छोटी जानकारी इस बिजनेस के बारे में देंगे, कैसे आप भी ये बिजनेस 10,000 रुपए की लागत से शुरू करके अपने घर से एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कछवा है, मैं एमटी रेजिन आर्ट इंडिया जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारा रेजिन का काम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, इसमें हम लोग काफ़ी आर्टिकल्स बनाते हैं और इसमें ट्रेनिंग का भी एक शेड्यूल डाल रखा है। अभी कोरोना की महामारी के चलते हमारी 2 वेव्स यहाँ इंडिया में आ चुकी है और इस 2 महामारी के अंदर हमारी इंडिया की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत खराब हुई है और सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई है हमारे मध्यम वर्ग के परिवार वालों की, जिसमें कई लोगों ने अपनी नौकरी खोई है तो कई ने अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। अब हर कोई चाहता है मैं कोई ऐसा काम करूं या ऐसा बिजनेस करूं जिसमें कम से कम लागत हो और अच्छे से अच्छा बना पाओ। तो दोस्तों हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू जनरेशन स्मार्ट बिजनेस आइडियाज़, जिसमें आपको कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई हैवी मशीन नहीं लगानी है, कोई लाइसेंस नहीं लेना है और कोई अनुभवी आदमी भी नहीं चाहिए और ना ही इतनी बड़ी जगह चाहिए। बस आप एक लिमिटेड बजट से आप ये काम चालू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करते हुए इस बिज़नेस को आप एक स्टार्टअप लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों इस काम को करने के लिए आपको ज़्यादा कोई जगह नहीं चाहिए, अपने घर के किसी भी एक कोने में ये जगह चाहिए जिसमें 6x3 की टेबल लगा रखी हो, दिन के 2 घंटे और घर का कोई भी मेंबर इसको काम को करते करते रोज के 2 से 4 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। देखिए जो हम आपको 10,000 में किट देने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो आएगा आपका ये 4 प्राइमर किट, जिसमें एक प्राइमर होगा और ये आएगा बेस कोट और ये आएगा टॉप कोट और इनके सबके साथ में आएगा ये 3 लेग्स और एक ये MDF का 18 इंची का टॉप। तो दोस्तों जब आपके पास ये किट पहुंच जाता है उसके बाद में आपको जो ये छोटी छोटी चीज़ें लगेगी जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है, ये ग्लव्स हो गया, ये कांटा हो गया, ये लेबल हो गया और ये सब चीज़ें अगर आपके यहाँ नहीं मिलती है तो आप हमें बताइए, हम भी आपको सप्लाई कर सकते हैं। और आप इस काम को चालू करना चाहते हैं तो जो हमने आपको MDF का टॉप दिया है इसको आप एक लेवल पर रखेंगे, लेवल पर रखने से क्या होता है केमिकल इधर उधर गिरता नहीं है, और एक लेवल मशीन से इसको एक लेवल चेक कर लीजिए क्या ये बस लेवल में है। जब ये सारा कम्प्लीट हो जाता है उसमें आपको केमिकल का सारा होता है, उसमें आप हल्का सा कोई भी क्रीम लगा लीजिए, जो बॉडी लोशन होता है आपका ऐसा क्रीम लगा के आप हल्को हाथ को चिकना कर लीजिए, इससे केमिकल कभी भी आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। उसके बाद में जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं मार्केट में आपको वो ग्लव्स हाथ में पहन लेने हैं, इससे कि आपका हाथों को प्रोटेक्शन मिल जाती है। कई लोगों को देखेंगे आप बहुत सारे सामान लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, रोलर लगाते हैं, उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, ये इससे 5-5 रुपये का आते हैं, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे प्राइमर, सबसे पहले लगाएंगे इसके ऊपर हम लोग प्राइमर। प्राइमर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइमर का रेजिन और हार्डनर और इसके साथ में हम लोग मिलाएंगे इसका मीडियम्स। देखिए दोस्तों मैं जो ये किट बता रहा हूँ इसमें सबसे अहम बात बता देता हूँ, आमतौर पे मार्केट में जाओगे केवल रेजिन और हार्डनर मिलेगा आपको। अब आप रेजिन और हार्डनर को मिलाते हैं तो इसका जो परफॉर्मेंस आता होता है वो पूरा परफॉर्मेंस नहीं आता है, इसलिए हमने हमारा एक किट तैयार किया है जिसमें हमने मीडियम मिलाया है। इस मीडियम को मिलाने के बाद क्या परफॉर्मेंस आता है ये काम करते करते सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जब हम काम चालू करते हैं सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे, मैं बता देता हूँ इसमें जो भी सारा मटेरियल काम लेंगे सब वजन से लेंगे, वजन से इसका एक्यूरेट अनुपात होता है पूरा। जब आप हमसे काम करेंगे तो हम आपको पूरी इसकी रेसिपी देंगे, इसको कितना क्या मिलाना है, कितने हिसाब से कितने एरिए के लिए कितना मिलाना है, इसको आपको 2 से 3 मिनट तक पूरा पूरा हिलाना है। जब 2-3 मिनट तक हिल जाएगा पूरा मिक्सअप हो जाएगा फिर इसके बाद में इसके ऊपर लगाना है, तो 5-7 मिनट रुकने के बाद आप इसको स्लो स्लो करके हुए इसके ऊपर डालिए और इस हल्के हाथों से इसको चारों तरफ से स्पर्श कीजिए। इसमें देखिए कोई मशीन काम नहीं आ रही है, केवल अपने हाथ ही काम आ रहे हैं बस। देखिए अभी हमने ये प्राइमर कर दिया इसके ऊपर, आमतौर पे जो मार्केट में प्राइमर करते हैं वो इतना नीचे गिर जाता है जितना ऊपर लगता नहीं उससे ज़्यादा नीचे आ जाता है। अभी आप देखोगे ना 1-2 बूंद गिरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी बूंद नहीं गिरा, इससे मटेरियल की बहुत बचत हो गई है। देखिए जैसे अभी हमने ये सारा प्राइमर लगाया है, आप प्राइमर लगाओगे ना उसमें 12 से 14 घंटे तक ये काम करता है, उसके बाद में इसके ऊपर आप काम कर पाते हो, मगर जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर 2 घंटे बाद आप इसके ऊपर वापस इसका बेस कोट लगा सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, हीट करने से ये जल्दी जम जाएगा अपना, और फिर इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। हालांकि आज का पूरा वीडियो करना था मेरे को,
इसलिए मैंने क्या एक ऐसा सा और बना के रखा हुआ है। अब इसके एजेस को देखिए आप, जहाँ आए वहीं रहेगी, बस इसको हीट करके छोड़ देना है। देखिए दो घंटे बाद जब ये सूख जाता है तब इसके ऊपर हम लोग एक टेक्सचर लगाने वाले हैं जिसको हम लोग बेस कोट बोलेंगे। बेस कोट के अंदर हम लोग काम लेंगे रेजिन और हार्डनर और ये इसके मीडियम्स। ओके, इससे मीडियम मिलाने से क्या होगा, ये एक तो लचीला हो जाएगा और जो सा टेक्सचर डालना चाहोगे वो चल जाएगा। और इससे लगाने से क्या होगा, जो आप टेक्सचर डालोगे वो टेक्सचर वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। आमतौर पर जो आप केमिकल देखते हैं उसमें टेक्सचर डालते हैं कुछ और है, बन कुछ और जाता है, एज पे ठहरता नहीं है। मगर अब आप देखेंगे जैसे प्राइमर के अंदर कुछ भी नीचे नहीं गिरा, उसी तरह से इसके अंदर भी नीचे कुछ भी नहीं गिरेगा और जो टेक्सचर डालोगे वही टेक्सचर रहेगा। देखिए जिस तरह से हमने इसके ऊपर प्राइमर लगाया था उसमें चार केमिकल काम लिए थे, उसी तरह से अभी हमने बताया इसके अंदर चार केमिकल काम लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रेजिन हार्डनर, इसी के अनुपात में हम लोग इसके अंदर वापस मिक्सअप करेंगे जो अपना टेबल का एरिया है। देखिए इसमें जो भी केमिकल डालते हैं एक सही मात्रा में डालना पड़ता है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं इसका मीडियम। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले फेंट दें, फिर जो आपको डिज़ाइन इसके ऊपर डिसाइड कर रखा है कि मेरे को ये कलर इसके अंदर टेक्सचर डालना है उसके अनुसार सारे पिगमेंट्स आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। अभी जैसे हमने ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया, आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसमें से क्लियर डाल दिया है कि हमें अलग शेड बनाना है, बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें अभी हमने पूरा वाइट कर देना है। और ये इतना स्मूथ हो जाएगा जब आप कलर डालोगे ना तो एकदम मक्खन जैसा लगेगा पूरा। और इसमें थोड़ा सा ब्राउन मिलाएंगे, इससे ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ब्राउन। और दूसरा जो हमने पहले निकाला था वो एकदम क्लियर है, इसमें थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। एक लाइट ब्राउन, एक डार्क ब्राउन और एक वाइट, इन तीन कलर से हमें सारा रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए ये क्रिएशन है, इस क्रिएशन में आप जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना आप अपने हिसाब से का सारा काम कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से हमने प्राइमर लगाया था केमिकल आपको दिखने में एक जैसे लगेंगे, मगर प्राइमर का केमिकल मात्र दो घंटे में सूख गया, इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस केमिकल के अंदर सबसे अच्छी बात है जो डिज़ाइन डालेंगे वो डिज़ाइन वहीं के वहीं रहेगा, जैसा आप अभी बनाएंगे वैसा ही, और एकदम वैसा ही काम करना जो प्राइमर में किया था आपने। जो भी आपको टेक्सचर अंदर डालना है वैसा कलर आप इसके अंदर मिला सकते हैं। जैसे डिजाइन हम लोग डाल रहे हैं आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएशन कर सकते हैं आप। जैसा आपके मन में आए वैसा डिजाइन डाल सकते हैं आप। देखिए अभी इसके अंदर जो डिजाइन मैंने चालू हो गया इतना सुंदर हो जाएगा ये कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे ये आपने खुद ने बनाया है। इनकी सारी रेसिपी भी हम आपको बताते रहेंगे बार बार, जब आप हमसे सारा सामान खरीदेंगे ना आप मेरे से पूछेंगे तो हम आपको उसको सारी रेसिपी बताएंगे आपको इसको कैसे तैयार किया जा सकता है। तो सर अभी हम लोग दिन में ऐसे कितने अलग अलग डिज़ाइन, देखिए एक काम करने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगता है। अब आप जितनी मर्जी हो आप अपने हिसाब से, जैसे आप 2 घंटे काम करते हैं तो 2 घंटे में 8 से 10 डिज़ाइन आप आराम से बना सकते हैं इसके अंदर। देखिए जैसे प्राइमर लगाने के लिए अंदर हमने सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया था, उसी तरह से इसके अंदर भी 15 मिनट का ही टाइम लगेगा। उसके बाद में हम लोग लेंगे ये हॉट गन, पहले सबसे पहले इसको गर्म करेंगे। देखिए ये हॉट गन से थोड़ा गर्म होने के बाद अपने आप कलर फैलता है, एकदम इटालियन मार्बल जैसा लुक आने लग गया इसका। तो सर अब ये जो काम है जैसे हम लोगों ने MDF के मटेरियल पे किया होगा, MDF के मटेरियल पे प्रीमियर लगाया, उसके बाद ये कोटिंग वगैरह चढ़ाई, तो हम लोग और कौन से मटेरियल पे हम लोग ये, देखिए जैसे देखिए ये केमिकल पत्थर पे भी काम करता है, अगर आप कोई लकड़ी का पट्टा लेते हैं उस पर भी काम करेगा, प्लाई पे भी काम करेगा और MDF पे भी काम करेगा, साथ में इसको ग्लास के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं, जो हार्ड सतह होती है उस सब पे काम करेगा ये वाला। जैसे हमारा डिजाइन बन जाता है फिर इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं, हीट करने से जो डिजाइन, अब इस केमिकल की हमारी जो सबसे अच्छी बात है ना, अभी जैसा देख रहे हैं आप, अगर आप 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद भी देखेंगे वो वहीं के वहीं दिखेगा आपको, ये फैलेगा नहीं। दूसरे जो मार्केट में केमिकल बनते हैं तो डिज़ाइन आप कुछ बना देते हैं मगर थोड़ी देर बाद में डिज़ाइन चेंज हो जाता है। देखिए जैसे हमने इसके ऊपर टेक्सचर लगा दिया है, टेक्सचर लगाने का काम तो मात्र 15 मिनट का है, अब इसको हम लोग 5 से 6 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद में इसके ऊपर एक कोट और लगाएंगे टॉप कोट। अब इसमें 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और ये पूरा सूख चुका है, सूखने के बाद हल्का सा इसको देख लीजिए कहीं से रबिंग नहीं है, तो फिर अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर टॉप कोट। ये देखिए
ये टॉप कोट रेशियो है, इससे इसके अंदर एक तो चमक आ जाएगी, हाई ग्लोस आ जाएगा और एक हार्डनेस आ जाएगी, तो इसको भी हम लोग एक रेशियो से मिलाएंगे निकलता है। और ये सब हम लोग जब सामान लेंगे इस ट्रेनिंग में हम आपको सब सिखा देंगे। लर्निंग बाद वैसा ही जैसा पहले करते हैं हम लोग, किसी टोल टाल का काम नहीं लेना अपने को, केवल हाथ से ही काम लेना है। इससे पूरा सेलिंग आ जाएगा और जो भी छोटे मोटे गड्ढे होंगे वो सारे भर जाएंगे। इसको लगाने के बाद आपको 12 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। नज़दीक ले लो, किस बुलबुले बटेंगे इसमें, देखो इसके सारे जो एयर होंगे ये सारी एयर बबल निकल जाएगी और एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा हो जाएगा। बस अब ये सारा काम हो चुका है, अब इसको 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। 12 घंटे बाद इसको हम लोग खोलेंगे, इसको उठाएंगे और पीछे से जो लेग लगा रखे हमने, ये वाले लेग्स, ये तीनों लेग इसके अंदर भी कस देंगे, इससे एक टेबल तैयार हो जाएगा। अब ये बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए जिस तरह से अभी हमने केवल एक टेबल बनाया है और अभी हमने ये सारा किस्तों में बनाया है, जब आप रेगुलर काम करेंगे तो एक घंटे के अंदर आप दिन में 3 से 4 टेबल आराम से बना सकते हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने आपको एक टेबल टॉप बना के बताया, उसी तरह से आप छोटे बड़े काफ़ी टॉप बना सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने एक नया डिज़ाइन बनाया है, इसमें ये और लेग चेंज करके और अपने ऊपर के टेक्सचर डाल के खूब सारे टॉप बना सकते हैं आप। देखिए जैसे मैन ऊपर का जो टॉप देख रहे हो ना, बिकता ऊपर का टॉप देख के ही है, नीचे का स्टैंड आप स्टील का या लकड़ी का कहीं से भी परचेज करके लगा सकते हैं। मैन ऊपर का टॉप है वो सबसे सुंदर दिखना चाहिए। देखिए जिस तरह से हमने ये गोल MDF लिया था, उसी तरह से आप कोई भी शेप में इसको MDF को काटिंग करके, प्लाई को कटिंग करके, पत्थर को कटिंग करके अलग अलग शेप में भी आप उसको बना सकते हैं। देखिए जिस तरह से हमने आपका टॉप दिखा रहे हैं, ये भी सेम प्रोसेस से बनाया और कितना सुंदर टॉप दिख रहा है इसके अंदर। इसके अंदर जो हमने काम किया ना, सारा स्टोन का काम किया हुआ है और एक यूनिक डिजाइन, नेचुरल डिजाइन बनाया है इसका, और एक पत्थर जैसा लगता है आपको और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। अगर आप लोग ये टेबल बनाते हैं ना, तो इसका खर्चा हमारा 5,000 रुपये आता है, मगर ये 10 से 15,000 रुपये के बीच में आराम से बिकता है। तो दोस्तों जो अभी हम आपको जो 10,000 रुपये का किट दे रहे हैं, उससे आप एक दो टेबल बनाएंगे और 25-30 टेबल तक पहुंच जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप इससे बड़े बड़े टेबल भी बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ बड़े बड़े टेबल भी कैसे बनते हैं। जैसे ये देखिए 3x5 का टेबल है वाला, इसके ऊपर भी हमने MDF के ऊपर अलग से टेक्स्ट डाला है, नीचे भी सेम प्रोसेस बनाया है। हाँ, ये सेम प्रोसेस से बनाया है। और दूसरे MDF पे बनाने का एक ही मकसद होता है, लाइट वेट हो जाता है तो घर में लेडीज होती है आसानी इसको सरका सकती है। ये देखिए लकड़ी के ऊपर हमने किया है, लकड़ी के ऊपर भी एकदम ऐसा लग रहा है मार्बल का लुक आ गया पूरा, साफ सफाई करने में भी आसानी रहती है इसके अंदर। और ये देखिए हमने पूरा पूरा टेबल बनाया है, ये पूरा पूरा लकड़ी के ऊपर बना हुआ पूरा टेबल, आपको ऐसा लगेगा पूरा मार्बल का है जबकि पूरा लकड़ी का टेबल है वाला। और उस तरह से जैसे फर्नीचर के उधर आप कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल बनाया हमने, ये 3x3 का डाइनिंग टेबल है, इसके ऊपर हमने ये डिज़ाइन बना रखा है। इसी तरह से आप स्टील का फ्रेम बना के भी उसके ऊपर भी ये काम ले सकते हैं। और आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने सेंटर टेबल बनाया है, उसके ऊपर कार्विंग की है और अपने अनुसार आप जो कलर डालना चाहोगे वो बन जाएंगे। एक ये टॉप देखिए, ये लकड़ी के साथ किया गया काम है सारा, ये सबसे ज़्यादा चलता है। ये देखिए ये पूरा पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इसके ऊपर आमतौर पे लोग पॉलिश करते हैं, मगर अब हमने उसी प्रोसेस से इसके ऊपर सारा मार्बल टेक्सचर दे दिया है, इससे साफ सफाई भी आसानी से होती है और औरों को लगता है जैसे मार्बल ही लगा हुआ है ये वाला। ये देखिए ये रिवर टेबल का हमने एक रूप बनाया है, इसके अंदर अभी काफ़ी रूप और भी बनाते हैं, ये छोटा टेबल है ये भी सेम प्रोसेस से बना हुआ है। देखिए जैसे हमने ये रिवर टेबल बनाया है, ये भी सेम प्रोसेस से आप इस टेबल को भी बना सकते हैं, जिनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है। जिस तरह से आप किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं फिर उसको आगे कुछ और चाहिए, तो अब ये रेजिन का जो फर्नीचर बनने वाला है वो इंडिया में न्यू फर्नीचर, बिल्कुल न्यू जनरेशन फर्नीचर बनने वाला है। इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा घुसेंगे तो आने वाले 10 सालों का ये बिजनेस पक्का पक्का आपका है। तो सर अभी हम लोगों ने देखा इतना सुंदर सा हम लोगों ने टॉप टेबल बनाया हुआ है, तो अभी हम लोग ये जो 10,000 की जो किट है जिससे हमारे व्यूवर्स ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आएगा? देखिए इस 10,000 की किट में हम लोग आपको केमिकल देंगे, उसमें हर एक की रेसिपी अलग अलग होगी, जैसे प्राइमर, बेस कोट और टॉप कोट, और इतना केमिकल देंगे आप उसे 30-40 टेबल बना सकते हैं। किट के साथ में एक टेबल सैंपल दिया जाएगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरे को कैसे काम करना है। उसके बाद में आप अपने लोकल मार्केट से वो MDF या वो लकड़ी परचेज करके अपने टेबल बना सकते हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको जब एक बार एक टेबल बनाएंगे आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो एक टेबल बनाने की जो लागत है वो कितनी आती है और मार्केट में वो कितने तक बेच सकते हैं वो जरा समझाइए। हम जो आपको जो किट भेजेंगे उसमें एक साथ में एक टेबल भेजेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस टेबल की कॉस्ट मात्र 1,000 रुपये आती है, मगर जब आप मार्केट में बेचने जाओगे और आपका आर्ट का काम कैसा किया हुआ है, नॉर्मली आप उसको 2,000 से 2,500 तक बेच पाओगे, और अगर आपका आर्ट का काम अच्छा किया हुआ उसके अंदर आपने अच्छे से काम किया तो उसका 3-4,000 रुपये भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये इपॉक्सी रेजिन के जो फर्नीचर का बिजनेस शुरू करना है या फिर ट्रेनिंग भी लेनी है तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी कॉल करके या फिर विजिट कर भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।